क्या हुआ ना दोस्त, मुसलमानों के साथ क्या हुआ, उनकी एक प्रॉब्लम हो गई। इतिहास में जाएं, मुसलमानों के यहां तेल निकल आया, ये उनका गुनाह है। तो जब वो तेल निकला उधर, तो अमेरिका को सारे तेल की मिल्कियत चाहिए थी, तो वो वहां पहुंचे। फिर वहां पे झगड़े शुरू हुए, लोग मरने शुरू हुए, विद्रोह हुआ, लोग मरने लगे। वो सारी खबरों को छुपाने के लिए एक ब्रांड चाहिए था, वो ब्रांड बनाया गया टेररिज्म का, इस्लामिक टेररिज्म का, जो पिछले बहुत सारे 30-40 सालों से वो हमको बेचा गया है टीवी के माध्यम से। टीवी भी देखें तो आप सारे टीवी चैनल्स जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा ओन्ड है, तो जाहिर है वो ऊपर से फरमान आता है। तो वो एक ब्रांड बनाया गया, वो ब्रांड हमको बेचा गया, पुष्ट दर पुष्ट बेचा गया, वो हमने खरीदा है। इसको रिवर्स करने में बहुत टाइम लगेगा। डेली बेसिस पे एवरी इंडिविजुअल हैज टू मेक एन एफर्ट कि नहीं, मैं इस स्टीरियोटाइप को तोड़ूंगा। अगर आपको एक बात समझ में आ गई, प्लीज, आज बोल रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, ये जो इस्लामिक टेररिज्म है, इसने सबसे ज्यादा मुसलमान मारे हैं, पता है ये बात आपको? सोच के देखिए ना, सबसे ज्यादा हिंसा कहां हो रही है? मिडल ईस्ट में, वहां कौन रहता है? मुसलमान रहते हैं। तो मुसलमान ही मर रहे हैं, और भी मरते हैं, मोस्टली मुसलमान मुसलमानों को मार रहे हैं, और ये दंगा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमको बेचा गया है माल, की ये इस्लामिक टेररिज्म है, ये इस्लामिक टेररिज्म नहीं, ये टेररिज्म तो है, क्योंकि इस्लाम में ये तो नहीं लिखा हो सकता ना कि मुसलमानों को मारो, और वो मुसलमानों को मार रहे हैं, तो इस्लामिक तो नहीं रह गया, ये टेररिज्म जरूर है। इन दोनों को जिस दिन अलग करके देख लेंगे, आप अपने पड़ोसी को प्यार करने लगेंगे और उसकी मदद करने लगेंगे, क्योंकि वो ही बेचारा फंसा हुआ है। मुझे एक टैक्सी वाला चला रहा था, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ परेशानी होती है? अनपढ़ बेचारा, कम पढ़ा लिखा, टैक्सी चला रहा था, बिहार का रहने वाला था, दाढ़ी थी उसको, बोला हाँ सर। तो मैंने कहा क्या? बोला अच्छा नहीं लगता सर, शक से देखते हैं, वो नाम जैसे ही बोलते हैं तो ऐसा थोड़ा डाउट से हो जाते हैं लोग। तुम सोचो उस आदमी पे क्या बीतती होगी, यही पैदा हुआ है, यही जलेगा, यही मरेगा, जलेगा तो नहीं, यही इसी मिट्टी में दफन होगा। वो आप उसको प्यार करने से रोक रहे हैं। अगर वो प्यार करने की कोशिश कर रहा होगा भी ना, आप उसको शक से देखेंगे तो उसका कहेगा बाहर में जाओ ना, मुझे नहीं करना प्यार। तो उसका एक ही तोड़ है प्यार। एक आपके पास वक्त हो तो एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक छोटे छोटे भाई बहन दो समंदर से लौट रहे थे, तो सीपें इकट्ठी की थी भाई ने, 9-8 साल के, ये व्हाट्सएप पे आई थी कहानी, ऐसी भी आती है वैसे। तो आ रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, बहन ने एक दुकान देखी, उसने बोला कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो भाई बड़े मन से इकट्ठी करके लाया था सीपें वो, तो उसने कहा चल ले आते, उसको समझ ही नहीं थी कि पैसे लगते हैं। तो वो गया, उसने कहा मेरी बहन को चॉकलेट दे दो, तो उसने दे दी बुढ़े आदमी ने, तो उसने सीपें दे दी, बोले मेरे पास सीपें हैं तो ये ले लो। तो उसने उसको पैसे की तरह ट्रीट किया, और उसने उसे 6 सीपें निकाल ली और बाकी उसको वापस कर दी। तो बच्चा खुश होकर अपनी बहन के लिए उसने चॉकलेट खरीद ली और वो सीपें लेके चला गया। तो ये जो दुकान का मालिक था, उसके नौकर ने उससे पूछा कि चचा, ये आपने सीपों के बदले में चॉकलेट कैसे दे दी, पैसे तो दिए नहीं उसने। उसने कहा ये बच्चा जिंदगी भर जब ये बड़ा होगा तो इसको पता चलेगा कि उन सीपों से चॉकलेट नहीं आती थी। उसको ये लगेगा कि किसी ने सीपों के बदले इसलिए चॉकलेट दी क्योंकि मैं मेरी बहन को चॉकलेट खरीदना चाहता था। वो गुडनेस में बिलीव करेगा, वो बिलीव करेगा कि मैं एक अच्छे आदमी से मिला था और मुझे भी अच्छा आदमी बनना है। तो अगर हम में से हर आदमी, एक एक आदमी गुडनेस में बिलीव करना शुरू करेगा, इट प्रोपगेट्स एंड इट विल मेक अ डिफरेंस टू द सोसाइटी। सो डू दैट।